हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रियम्बल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रियम्बल क्या है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 13 दिसंबर 1966 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विच वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, लेटर दिस रेजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन था अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को 30 दिसंबर 1946 को जो रेजोल्यूशन जो मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो जो है अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 लेटर दिस रेजोल्यूशन जो है, ये जो रेजोल्यूशन था वही हमारा बाद में फाउंडेशन बन गया हमारे प्रियम्बल का। ठीक है, तो कौन सा वर्ड है? वर्ड है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। कौन सा? सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन से तीन जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, वो जो है क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट कर दी गई, जो है ऐड कर ली गई हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। क्या प्रियम्बल हमारे इंडिया को कहती है? सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या होता है? जिसका किसी और बाहर का एक्सटर्नल जो है इंटरफेरेंस ना हो उसके इंटरनल मैटर्स में, वो सोवरेन हो गई। सोशलिस्ट है, सेकुलर है। ठीक है, सोशलिस्ट आपको पता ही है। सेकुलर मतलब क्या होता है? कि जो मतलब इसमें कोई मतलब कास्ट और क्रीड को लेकर इस तरीके की चीज़ें ना हो। ठीक है ना, यानी कि भाईचारा हो। डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक पता ही है। रिपब्लिकन नेशन है, जहाँ पे एक हेड ऑफ स्टेट हो। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के जस्टिस बताई गई है, जिसका है सोशलिस्ट इकोनॉमिक पोलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पोलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ जस्टिस इज देयर, सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड, अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो जब और ये जो हमारा तीन तरह का जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस, तो जब हम भी ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये बहुत लीगल इंटरप्रिटेशन में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल इंटरप्रिटेशन में बहुत हमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना, इससे हम अलग हट के कोई काम कुछ हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है। तो इन द वर्ड्स ऑफ द अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, द प्रियम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, इतने सालों से जब हम इंडिपेंडेंट, हमें आज़ादी मिली, उसके पहले जो हमने इतना फाइट किया, हमने इतना अफोर्ड किया, अपनी बहुत सारी हमारे लोगों की जाने गई है ना फ्रीडम स्ट्रगल में, मूवमेंट में, तो हमारा एस्पिरेशन ही यही था कि हमें अपनी कंट्री को किस शेप में लेके आना है, कैसे हमें अपनी कंट्री को बनाना है। तो वो जो हमारी फीलिंग्स थी वो हमने एक्सप्रेस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस वी हैड थॉट आर ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इतने लंबे समय से जो हमारे विचार थे, जो हमारे जो है सपने थे, वो जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आके साकार हो रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तो अब एग्जाम में आता है कि इज इट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रियम्बल हैज इट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो येस इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, तो 1973 के केशवानंद भारती केस में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर दिस इन द बेरूबारी केस 1960 प्रियम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस एग्जाम में आ सकते कि कब हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेरूबारी केस था 1960 का। बट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973 वी कंसीडर्ड और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब द प्रियम्बल वॉज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पार्ट वाला तो हमने केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती बहुत ही फेमस, हमने जो है अभी करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया था केशवानंद भारती केस में। अभी केशवानंद भारती अभी नहीं रहे, ठीक है ना, तो उसके उसमें आर्टिकल्स वगैरह हमने डिस्कस किया था, तो ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है केशवानंद भारती। ठीक है, तो केशवानंद भारती में एक्सेप्ट किया गया था कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज द पार्ट, एंड बेरूबारी केस में ये, इसके पहले जो 1960 में था बेरूबारी केस, इसमें ये एक्सेप्टेड नहीं था। ठीक है, 1973 का है केशवानंद भारती केस, और 1960 में ये जो है कंसिडर किया गया था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। फिर हम गोलकनाथ केस की बात करते हैं। गोलकनाथ केस वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब द प्रियम्बल वॉज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द और कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर सोल जो है बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, किस में? गोलकनाथ में। फिर इन बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट्स
यूनियन ऑफ इंडिया, बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव अ कंसेप्शन दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो बोम्बई वर्सेज जो है यूनियन में भी कहा गया कि जो है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. तो देखिए कितने आर्टिकल्स हमने, कितने हमने केसेस देखे. देखिए केशवानंद भारती केस जो 1973 का है वो पार्ट एक्सेप्ट करता है प्रियम्बल को. ठीक है, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट जो पंजाब है वो जो है कहता है कि सोल है, कोर है. ठीक है, बोम्बई वर्सेज ये आपका यूनियन ये भी कहता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट एक जो हमारा बेरुबारी 1960 में ये कहता है पार्ट नहीं था, तो बेरुबारी याद रखेगा, बाकी सब कहते हैं पार्ट है, बट बेरुबारी डज नॉट कंसीडर इट एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब देखिए इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. नॉन जस्टिसिएबल मतलब है अब सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट में ले जाके हम जो भी चीज़ें हैं इसको हम जस्टिफाई करवा दें, तो ये नॉन जस्टिसिएबल, हम कोर्ट में नहीं लड़ सकते किसी को प्रियम्बल के बेस पे. इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ बिलीव वर्शिप एक्सप्रेशन एंड थॉट. ठीक है, तो देखिए अभी मैंने कहा कि ये जो हमारा है ये जो है जस्टिस है, तीन तरह की जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस. यहाँ पे जो है नॉट जस्टिसिएबल नहीं है, फ्रीडम किस तरीके की, हित में कितने तरीके के फ्रीडम्स हैं. तो फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन और वर्शिप. ठीक है, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट. इट इज इंश्योर द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, सभी लोगों में जो है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी कंसिडर करता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है हमारा राइट आर्टिकल 32 को ये कहते हैं. के एम मुंशी कॉल्ड इट अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप. ठीक है, तो के एम मुंशी, अब ये एग्जाम में आ जाते हैं कि हार्ट एंड सोल किसने कहा था, ये जो है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा प्रियम्बल को, के एम मुंशी ने कहा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये. ठीक है, और सुभाष कश्यप सेड दैट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन द प्रियम्बल इज द सोल. तो सुभाष कश्यप ने भी क्या कहा, कॉल्ड प्रियम्बल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग देन द प्रियम्बल इज द फाउंडेशन स्टोन. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस इस पायस. ठीक है, तो उन्होंने ये जो कहा कि बहुत ही पवित्र है. ठीक है, पेपर पायस पेपर. तो ये हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये है क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.